मजीद वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कैमरा स्टैंड के बारे में। स्टैंड दोस्तों ये ख़ास तौर पे किसी चीज़ को पकड़ कर आप इससे वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने दराज से परचेज़ किया था 250-300 रुपये का, तो इसकी क्वालिटी बहुत लो है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल जो है वो नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से जो एंगल है कैमरे का वो परफेक्ट नहीं रहता। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल ये चीज़ है, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो दोस्तों मैं इसकी जो एक चीज़ है वो यहाँ से इसको उतार दूँगा। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही हार्ड है, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसमें जस्ट यही एक चीज़ काम की है। एक तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। तो इसको दोस्तों इसमें ये जो चीज़ एक काम की है इसको हम ट्राई करेंगे, इस मैग्नीफाइंग ग्लास को उतार कर यहाँ पर इसे लगा देते हैं और इसकी मदद से हम कोई भी वीडियो जो क्लोज़ वीडियो बनानी हो नज़दीक से तो आसानी से बना सकें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अल्फी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब हम इसे मोबाइल होल्ड करके ये देख लेते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो दोस्तों छोटी मोटी चीज़ों की वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब की, या अगर आप कोई और वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। तो ये जो दूसरे वाला है ये तकरीबन मुकम्मल ही बेकार निकला है। अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसे परचेज़ ना कीजिएगा। दराज से मैंने 200-250 रुपये का परचेज़ किया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक और आपको कैमरा स्टैंड दिखाऊंगा, मोबाइल स्टैंड जो कि मैंने दराज से ही परचेज़ किया है, उसकी जो क्वालिटी है वो इससे बेस्ट है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।